हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर। एक इंट्रोडक्शन मैंने, फर्स्ट वीडियो है मेरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर। मेरे पास एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट्स के ईमेल आ रहे हैं, कईयों के रिक्वेस्ट आ रही है कि सर, जनरल अवेयरनेस जो है गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम्स के एंट्रेंस में ये बेसिकली आता है, ठीक है, जिसमें हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल करंट अफेयर वगैरह, ये सब इंक्लूडेड होता है। ये पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो थोड़ा काफ़ी वेटेज रखता है। एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स डेफिनेटली वेटेज रखते हैं, लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो जनरली एक्चुअली स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उनके मार्क्स में रिडक्शन आता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक स्टार्ट कीजिए, तो ये मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, बी पेशेंस विद मी, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने में, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा उस सबका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा विदाउट डिले। यू डोंट नीड टू गो वे एनीवेयर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड विद इन 6 मंथ आपका जनरल अवेयरनेस एक अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, कि अगर आप कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं और आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है। कंटेंट आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगा दोस्तों, किसी भी जगह चले जाइए जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह है, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे करोल बाग हो, लेकिन आपको स्ट्रेटजी बतानी चाहिए। अगर सही स्ट्रेटजी आपके पास है तभी आप कम समय में प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। इंडिया को अगर एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट देखा जाए, ठीक है, आप पहले हाई लेवल स्टडी करके देखिए। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट पढ़नी है तो डेफिनेटली डिटेल में आप जितना मर्जी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, कोशिश हमेशा करिए कि ब्रॉड लेवल स्टडी पहले करिए, ठीक है। डीप लेवल स्टडी कोई ज़रूरी नहीं है, एक लेवल से ज़्यादा आप जाएँ, ठीक है, लेकिन ब्रॉड लेवल स्टडी बहुत ज़रूरी होती है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, इनफैक्ट IAS के लिए भी, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्योग्राफिकल साइज़ अगर इंडिया का देखें तो वो है करीबन 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल वर्ल्ड की जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसका 2.4% जो है वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने रैंकिंग दी हुई है 7 सबसे बड़ी कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, ठीक है। ये जो सीक्वेंस यहाँ दिया है, ये सीक्वेंस दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रिवाइज इट। ये इसलिए रिवाइज करना है क्योंकि आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है इन टर्म ऑफ साइज, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं सीक्वेंस वाइज। आपको 4 कंट्री दे दी जाएगी, उनको सीक्वेंस बताने होंगे, तो आपको सीक्वेंस ऑफकोर्स एटलीस्ट टॉप 7 कंट्रीज का पता होना चाहिए। करने का तरीका बताता हूँ। वर्ल्ड लेवल का अगर आप मैप देखें तो रशिया पर ईस्ट की तरफ है थोड़ा सा, वेस्ट में हमारा कनाडा है, तो रशिया, कनाडा, फिर वापस ईस्ट में आ जाइए चाइना, और फिर उसके वेस्ट में चले जाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये 4 कंट्री हो गई हैं, इसके बाद नीचे आइए सीधा ब्राज़ील की तरफ, और फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं, ये टॉप 7 कंट्रीज है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7th है। एरिया इंडिया का आप ज़रूर याद रखिए, बाकी किसी का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इंडिया का एरिया ज़रूर याद रहना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कोशिश की है कि जो इंडिया का ज्योग्राफिकल्स एक एक्सटेंट है, कितने डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लेके नॉर्थ में या ईस्ट में अगर वो देखा जाए तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इंडिया जो है हेमिस्फीयर के अगर हिसाब से कहे नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है। अगर आप देखें ग्लोब पे, हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर के क्योंकि नॉर्दर्न में है तो इंडिया के जितने लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न पड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंडिया जो है वो ईस्टर्न लैटिट्यूड की तरफ पड़ता है, ना कि वेस्टर्न में, इसलिए ये भी लैटिट्यूड है, ये ईस्टर्न नोट हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ देखें, ये गुजरात का एक्सट्रीम पॉइंट है, ये है 68°7' ईस्ट, ठीक है। इसको ईस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डेट लाइन कह लीजिए, या फिर आप GMT लाइन कह लीजिए, जो कि लंदन से होती है गुजरती है, उसके ईस्ट में पड़ता है इंडिया, ठीक है। तो उसके GMT जो लाइन के ईस्ट में जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उन सबको ईस्ट वर्ड के साथ ही दिया जाता है। तो 68°7' ईस्ट में इंडिया का ये पॉइंट पड़ रहा है,
और ये जो पॉइंट पड़ रहा है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश का एक्सट्रीम पॉइंट, ये है 97°25′ ईस्ट। ठीक है, सपोज़ करते हैं GMT टाइम यहाँ पे है, तो ये 0° है, 0° से 1° ईस्ट, 2° ईस्ट, 3° ईस्ट, ऐसे ईस्ट में बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट पड़ा 68°7′ ईस्ट और ये पड़ा 97°25′ ईस्ट। क्लियर है? अब अगर हम इक्वेटर से बात करें, इक्वेटर हमारा पड़ता है 0°, और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाइए या साउथ की तरफ जाइए, डिग्रीज ऑफ यू नो जो होंगे वो आपके इंक्रीज होने लगेंगे। जैसे कि 0 अगर डिग्री यहाँ इक्वेटर है तो 1° नॉर्थ, 2° नॉर्थ, 3° नॉर्थ, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। सिमिलर तो इस कंसेप्ट से, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो हमारा ये जो लेटिट्यूड आ रहा है ये दोस्तों आ रहा है 8°4′ नॉर्थ, और ये जो टॉप मोस्ट नॉर्दर्न है इंडिया का पार्ट वो आता है 37°4′ नॉर्थ। तो ये जो चारों कॉर्नर पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको पता होने चाहिए, 68°7′ ईस्ट, 97°25′ ईस्ट और 37°6′ नॉर्थ और 8°4′ नॉर्थ। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, फोर एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं मेनलैंड के, ठीक है, इंडियन मेनलैंड जो है, लेकिन यहाँ पे दो लैटिट्यूड्स आपके कोऑर्डिनेट्स आपके और दिए हुए हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 35°39′ नॉर्थ, ये बेसिकली वो पॉइंट है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि कुछ इंडिया का पार्ट जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है, तो ये जो 37°6′ नॉर्थ वाला पॉइंट है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, ना कि इंडिया के कंट्रोल में है। इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडिया के कंट्रोल में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो होगा आपका 35°39′ नॉर्थ। ओके, सिमिलरली मेनलैंड का सदर्न पॉइंट है 8°4′ नॉर्थ, लेकिन अगर टोटल इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात की जाए तो अंडमान निकोबार भी इंडिया के पास ही है। ठीक है, ये इंडियन टेरिटरी है, और इसका जो सबसे एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 6°45′ नॉर्थ। तो जब क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, आपको एग्जैक्टली समझना है कि क्वेश्चन पहले पूछ क्या रहा है। अगर वो मेनलैंड के एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछ रहा है तो आप बताएंगे सदर्न का है 8°4′ नॉर्थ, लेकिन अदर वाइज इंडियन सबकॉन्टिनेंट है तो वो 6°14′ नॉर्थ रहता है। और बाकी ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ, जो कि अभी हमने 68°7′ किया है। ये पॉइंट बेसिकली कहलाता है गुगरैया याना या फिर गुहार मोती। ठीक है, गुजरात में पड़ता है ये, तो ये इंडिया का वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर पे है ये पॉइंट, इसे कहते हैं किबितू। ओके, ईस्टर्न पॉइंट किबितू, वेस्टर्न पॉइंट गुगरैयाना या फिर गुहार मोती। अब अगर हम नॉर्दर्न पॉइंट की बात बोलें तो नॉर्दर्न पॉइंट विच इज़ अंडर इंडिया कंट्रोल, ठीक है, वो है इंदिरा कोल। अगर आपको मैं वापस लेके जाऊं तो ये 35°39′ नॉर्थ इस पॉइंट की अभी हम बात कर रहे हैं, ये कहलाता है इंदिरा कोल। ठीक है, और सदर्न में अगर तो मेनलैंड की बात पूछी है तो वो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात है तो इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं और देता हूँ कि इंदिरा पॉइंट को पहले पेगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ब्रिटिश टाइम पे जब यू नो ब्रिटिश कंट्रोल में इंडिया था तब इसका नाम पड़ा था पेगमेलियन पॉइंट्स, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस का नाम चेंज करके कर दिया गया था इंदिरा पॉइंट। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, यहाँ का थोड़ा फिजिकल डिवीजन कैसा है, थोड़ा यू नो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर आप देखें ये पार्ट जो है पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, ठीक है, जैसे गिलगित यू नो पाकिस्तान वगैरह सब का कहते हैं पाकिस्तान में, इधर थोड़ा पार्ट ये जो है ये चाइना के पास है, इसको अस्काईचिन कहते हैं, चाइना ने इसको ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये भी थोड़ा पार्ट जो है चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। ये पार्ट ऐसा है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई तो किया था लेकिन इस पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ओके, ये जो पूरा ऑरेंज कलर में है, और दिस पार्ट येलो, इट इज़ सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया।
इसका ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है इसको कहते हैं इंदिरा कोल। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ये पार्ट है ट्रायंगुलर शेप का सियाचिन ग्लेशियर का, और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इंदिरा कोल। ठीक है, तो इंदिरा कोल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप कह सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना आपस में मिलते हैं। आप इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर एग्जैक्ट यू नो पूरा लैटिट्यूड देखें 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ और 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट, ये है ट्राई पॉइंट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखिए, अब हमने ये बात कर ली एक्सट्रीम पॉइंट्स की, एरिया क्या है इंडिया का। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है इंडिया, और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगर आपको यू नो आपने वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी पढ़ी हो तो वर्ल्ड के पूरे ग्लोब पर इक्वेटर और उसके नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके सदर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीन इमेजिनरी लाइंस यू नो मानी जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ मिनट सदर्न में पड़ती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल मिडल से पास होता है और इंडिया को बेसिकली टू हाफ्स में डिवाइड करता है। ओके, और जो नॉर्थ में एरिया पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो करीबन ट्वाइस है द एरिया विच इज़ लाई टू द सदर्न। अगर मैं आपको इसका एक मैप दिखाना चाहूँ तो मैं आपको एक क्विकली इसका एक मैप दिखाता हूँ। ये एक इसका मैप है, ठीक है, करीबन यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ऑलराइट, अब अगर इस पॉइंट पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा, ये करीबन डबल है एरिया में सदर्न पार्ट के। ऑलराइट, इसके अलावा जो साउथ का पार्ट है 22 डिग्री नॉर्थ के बाद सदर्न में, वो बेसिकली एक यू नो इंडियन ओशन की तरफ पेनिनसुला की शेप यू नो एक्वायर करता है। अगर दोबारा हम मैप देखें तो करीबन 22 डिग्री नॉर्थ यहाँ पड़ता है, एक जस्ट ये देख सकते हैं हम, ये है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, ये 24 डिग्री है, 22 डिग्री हम करीबन यहाँ मान लेते हैं। अगर ये लाइन अगर देखें तो ये करीबन लाइन ऐसे होगी। तो इसका सदर्न पार्ट 22 डिग्री नॉर्थ के सदर्न पार्ट में ये पूरा एक इंडियन पेनिनसुला कहलाता है जो कि इंडियन ओशन में टेपर कर रहा है। ऑलराइट, तो ये जो लेटिट्यूड है 22 डिग्री नॉर्थ के बाद सदर्न पॉइंट पेनिनसुला बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट टाइम डिफरेंस कितना होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें गुगरियाना और किबूतू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, आप डिफरेंस कर लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट्स में और 68 डिग्री 7 मिनट्स में, तो करीबन ये 30 डिग्री आता है। थोड़ा सा 30 डिग्री से कम होता है बट एक अप्रॉक्सीमेट माने तो ये 30 डिग्री का फ़र्क आता है। अब अगर अर्थ की बात करें, अर्थ जो है एक तरीके से स्फेरिकल है तो 360 डिग्री है, और अर्थ एक दिन में 24 आवर्स में पूरी रोटेट कर जाती है। दैट मीन्स 24 आवर में जो अर्थ है वो 360 डिग्री की रोटेशन ले रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अर्थ को 4 मिनट्स लगेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कवर करने में। अब क्योंकि हमने 30 डिग्री का डिफरेंस देखा है इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, तो अगर हम 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट्स आ रहा है 2 आवर्स। तो करीबन 2 आवर, हालांकि 2 आवर्स से थोड़ा कम लगते हैं, कुछ मिनट्स बचते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। दैट मीन्स सन जो है उसको अरुणाचल प्रदेश के किबूतू से इन जो वेस्टर्न का गुहार्म होता है वहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। आप इसको इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर हम एग्जैक्ट टाइम कहें तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। एक पर्सन अगर अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है और एक पर्सन अगर गुहार्म होती में खड़ा है तो उन दोनों के जो टाइम डिफरेंस होगा वो 2 घंटे का होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक हमने स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है इंडिया का, ठीक है, हम सभी इंडियंस उस स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं फॉर द मैटर ऑफ कन्वीनियंस। ओके, यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूं ट्रॉपिकल या टेम्परेट कंट्रीज होती क्या है।
हमारे पास तीन इमेजिनरी लाइन्स है, इक्वेटर, और उसके नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर, दैट मीन्स जो दोनों ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जितना एरिया है इसको ट्रॉपिक कहा जाता है। इसके बीच में अगर कोई कंट्री लाई कर रही है तो उसको ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर टेम्परेट इन्वायरमेंट माना जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी टेम्परेट इन्वायरमेंट माना जाता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया बेसिकली ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन में पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मैप देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करीबन यहाँ से पास हो रहा है 23.5 डिग्री पे, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसके नीचे का पूरा पार्ट वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ रहा है, तो ये ट्रॉपिकल पार्ट माना जाएगा। लेकिन नॉर्दर्न जो पूरा पार्ट है ये टेम्परेट पार्ट माना जाएगा, अगर ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से देखा जाए। तो क्वेश्चन ये आता है कि कई बार कि क्या इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहना सही रहेगा या टेम्परेट कंट्री कहना सही रहेगा। एक्चुअली में इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। उसके रीज़न क्या है, देखिए सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज और ये टेम्परेट कंट्रीज़ की जो डिवीज़न दी गई है वो इस वजह से नहीं दी गई है कि हमें सिर्फ एक लाइन खींचनी थी अर्थ भैया, इस वजह से दी गई है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, या फिर वेदर कह लीजिए या वेजिटेशन कह लीजिए, किस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, किस तरह के वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, और या फिर जो हवाओं का यू नो विंड सर्कुलेशन कह लीजिए, सन का टेम्परेचर वेरिएशन कह लीजिए, या फिर आप यू नो जैसे वेरिएशंस होते हैं मौसम के, इन सबको कह लीजिए, ये एक समान होता है जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। वहीं पर अगर टेम्परेट कंट्रीज़ की बात की जाए इनका करीबन करीबन एक समान होता है। अगर आप देखेंगे रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में कितनी बर्फ़ मिलती है, सिमिलरली यूएसए में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, टोटल 12 महीने के 12 महीने आपको बर्फ़ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या नाम टेम्परेट में जा रहे हैं, धीरे धीरे आर्कटिक सी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वहीं आप अगर अफ्रीका का देखें, अफ्रीका के अंदर या फिर इंडिया का जो ट्रॉपिकल सदर्न साइड देख कह लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ यू नो नियर द इक्वेटर, सन की रेडिएशन सबसे ज़्यादा इक्वेटर की तरफ फोकस होती है। इसी वजह से क्या नाम अर्थ का सर्कुलेशन विंड का सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन, क्लाइमेट, वेदर, सब कुछ वेरिएशन में आता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस डिवीज़न का। अब इंडिया के अंदर एक्चुअली में इसकी वजह से होना क्या चाहिए कि जो ट्रॉपिकल में जो मौसम है और टेम्परेट में जो मौसम है वो फ़र्क आना चाहिए, लेकिन वो फ़र्क आता नहीं है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है हिमालय, क्योंकि हिमालय जो है वो नॉर्दर्न में है, यहाँ पर करीबन होगा हिमालय, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर फैला हुआ नेपाल वगैरह ये यहाँ तक, जो टेम्परेट हवाएं होती हैं वो कभी भी हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आ नहीं पाती हैं। इसलिए जो टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है या वेदर होता है, क्लाइमेट कह लीजिए, वो कभी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बन ही नहीं पाता है। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को अगर वेदर कंडीशन या क्लाइमेट कंडीशन आप देखें तो वो ट्रॉपिकल ही गवर्न करता है। क्यों? क्योंकि सदर्न वो आपने सुना होगा यू नो सदर्न वेस्ट हो क्या ना मानसून आता है इंडिया के अंदर, वो मानसून यहीं से आता है, ठीक है, यहाँ से होता हुआ आता है, कुछ पार्ट इधर चला जाता है, कुछ पार्ट यू नो इस साइड में चला जाता है, और वही हवाएं फिर वापस हिमालय से टकरा के घूमती हुई सर्कुलेशन में आ जाती हैं और पूरे नॉर्दर्न पार्ट पे कवर कर देती हैं, ठीक है। जून जुलाई के अंदर हमारे पूरे नॉर्दर्न पार्ट में बरसात होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो ये जो हिमालय है इसी की वजह से पूरा इंडिया एक तरीके से ट्रॉपिकल मानसून यू नो फेस करता है, ना कि टेम्परेट। ऑलराइट, और कल्चरल अगर देखा जाए, सेटलमेंट के हिसाब से देखें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखें, या फिर जितनी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वो सारी ट्रॉपिकल के नेचर की हैं, बिकॉज क्योंकि क्लाइमेट इटसेल्फ यू नो इज़ अ ट्रॉपिकल, वेदर इज़ अ ट्रॉपिकल। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे इंडियन फ्रंटियर की बात करूँगा कि इंडिया का जो बॉर्डर है यू नो वो किस तरह का है, ठीक है। इंडिया का जो बॉर्डर है करीबन 15,200 किलोमीटर कह लीजिए, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट फिगर जानना चाहते हैं तो 15,106.7 किलोमीटर्स, ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है। लैंड बॉर्डर मतलब अगर आप ये देखें तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, फिर इधर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इधर ये म्यांमार के साथ पूरा बॉर्डर है, और इनफैक्ट ये बांग्लादेश के साथ जो पूरा बॉर्डर है, ये जो लैंड बॉर्डर है ये है 15,106.7 किलोमीटर का, जो कि 17 स्टेट्स हैं इंडिया की वो बनाती हैं, जिसमें
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट्स जो हैं, टोटल ऐसी 17 स्टेट्स हैं जो कि लैंड बॉर्डर किसी दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जो पड़ोसी देश है उसके साथ बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इन 17 स्टेट्स के अंदर में 92 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर बना रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। जैसे राजस्थान में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर वगैरह, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी तरह से जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो 92 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। अब अगर हम इंडिया का सदर्न पार्ट देखें, कोस्ट लाइन की बात देखें, ये क्योंकि इंडियन ओशन में कोस्ट लाइन है, टोटल जो लेंथ है कोस्ट लाइन की, अगर मेन लैंड की बात करें, सिर्फ अगर हम अपने आइसलैंड को छोड़ देते हैं, तो मेन लैंड जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यू नो, कर्नाटका, केरला, इन सबको अगर इन सब की जो है लैंड, वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो है वो मेन लैंड कोस्ट लाइन है। लेकिन क्योंकि इंडिया के पास कई सारे आइसलैंड हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसलैंड 1197 है, और ये भी बेसिकली जो इनके बॉर्डर है वो कोस्टल लाइन्स है, अगर इन सब कोस्टल लाइन्स को एड ऑन कर दिया जाए तो टोटल लेंथ जो होती है 7516.6 किलोमीटर की कोस्टल लाइन हो जाती है इंडिया के पास। अब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया की अगर कोस्टल लाइन पूछी जा रही है तो क्या वो मेन लैंड की पूछी जा रही है या टोटल पूछी जा रही है। अगर मेन लैंड है तो 6100 है, और अगर टोटल पूछी जा रही है तो 7516.6 किलोमीटर है। और ऐसे 13 स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरेटरी कहा जाएगा जो कि कोस्टल लाइंस बनाते हैं। स्टेट्स में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इधर आंध्रा है, तमिलनाडु, उड़ीसा है, अब वेस्ट बंगाल है, ये सारे स्टेट्स हैं, और अंडमान निकोबार है, ये भी कोस्टल, यू नो, इसके पास है एरिया, लेकिन ये यूनियन टेरेटरी है। दमन, ये लक्षद्वीप, ये भी यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। तो टोटल अगर देखी जाए ऐसे 13 स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी, टोटल नंबर 13 है, ये हमारी कोस्टल बाउंड्रीज बनाते हैं, जैसे हमारे 17 स्टेट्स थे जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते थे, लैंड बाउंड्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगर इंडियन फ्रंटियर में देखा जाए तो ऐसे करीबन कुछ स्टेट हैं जो किसी के साथ भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ये स्टेट ऐसे हैं जो कि अगर आप देखेंगे, तेलंगाना करीबन यहाँ पे अभी इसमें मैप में नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ पड़ेगा तो तेलंगाना कहीं बॉर्डर टच नहीं कर रहा, ना कि कोस्टल लाइन कर रहा, ना लैंड बॉर्डर। छत्तीसगढ़, MP, UP, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो, या फिर हरियाणा, जो या तो ना तो ये लैंड बॉर्डर्स के साथ ना इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं, ना कोस्टल लाइन टच कर रहे हैं, तो आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं, करीबन सिक्स हैं, सिक्स स्टेट्स या फिर यूनियन टेरेटरीज, क्योंकि दिल्ली भी यूनियन टेरेटरीज में आ जाएगा, जो कि इंटरनेशनल फ्रंटियर नहीं बनाता इंडिया का। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि इंडिया अपने किस नेबर कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है, तो वो है बांग्लादेश। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, इधर त्रिपुरा है, इधर ये मिजोरम है, तो ये जो पूरा बॉर्डर है ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। उसके बाद पड़ता है पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी सीरीज दी हुई है, अच्छा सॉरी, पहले चाइना के साथ पड़ता है फिर पाकिस्तान आता है, तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो हमारा सबसे ज़्यादा लेंथ का है। आपको लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सबसे लेंथीस्ट बॉर्डर है, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे छोटा जो है अफगानिस्तान के पास है, ठीक है। तो ये सीरीज जो सीक्वेंस है टॉप टू डाउन, ये आपको ज़रूर दोस्तों याद रखना है। लेट्स मूव नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड और ईस्ट टू वेस्ट विड्थ जो है इंडिया की वो देखेंगे। हमने पढ़ा था किबुतु या आपका ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, और वेस्टर्न था गुहारमोता। अगर इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन देखें तो ये पड़ती है दोस्तों हमारी 2933 किलोमीटर की, ठीक है, रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश, या फिर आप एक्सट्रीम पॉइंट याद कर लीजिए, 2933 किलोमीटर की। सिमिलरली अगर नॉर्दर्न से लेके सदन कन्याकुमारी तक की लेंथ देखी जाए तो ये पड़ती है 3214 किलोमीटर, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। ये कई बार डायरेक्टली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है, तो आपको ये लेंथ याद रखनी है। नेक्स्ट पर दोस्तों बात करते हैं IST की और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है। IST जैसे मैंने बोला था कि क्या नाम, जो वेस्टर्न एक्सट्रीम है और ईस्टर्न एक्सट्रीम है, इसमें 2 घंटे का डिफरेंस आता है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम इंडिया ने, यू नो, माना है,
और ये जो टाइम है वो हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो और ये बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिप्रेजेंट करता है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को। तो ये एक ऐसा मेरिडियन है जो इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया से पास होती है, जिस पर जो टाइम होता है हम उस टाइम को सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडियन ईस्टर्न टाइम लाइन है ये है 82° 30' ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 32° 30' या फिर ये 82° 1/2 लिखा जाता है कई बार, हाफ मिनट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि IST कौन कितनी डिग्री पर पास होता है, तो 82° 1/2 या 82° 30' आप बताएंगे। और कितने नंबर ऑफ स्टेट्स से पास होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिनसे IST पास होता है, जिसमें है UP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये चार पांचों स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि आपको ऑप्शंस में 3 स्टेट दे देंगे और एक ऐसा स्टेट होगा जिससे IST पास नहीं हो रहा है, और आपको बताना पड़ेगा कि इन तीनों चारों क्वेश्चन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे IST पास नहीं हो रहा है। तो ये पाँचों स्टेट्स के नाम आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए। ऑलराइट, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। मैंने अभी बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5° या फिर आप कह लीजिए 23° यू नो हाफ, ऐसे कह लीजिए 23° 1/2 या फिर 30' से पास होता है एक, ठीक है। अब इंडिया के ये ऐसे 8 स्टेट्स हैं जिनसे ये पास होता है, और इन आठों के नाम आपको दोस्तों याद करने पड़ेंगे। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान यहाँ बहुत थोड़ा सा पार्ट है, लोग जनरली इसमें गलती कर लेते हैं स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान से भी पास होता है। इसके बाद MP है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। उड़ीसा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच नहीं करता है, उड़ीसा के ऊपर से निकल जाता है छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल से होते हुए, ठीक है। तो 3 स्टेट यहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, MP, और 3 स्टेट यहाँ पर है छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और 2 स्टेट पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कि है त्रिपुरा और मिजोरम। ऑलराइट, ओके, तो ये 8 स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है। इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कंचनजंगा माना जाता है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। हाइट इसकी बताई है मैंने यहाँ पर 8,586 मीटर, ठीक है, जनरली मीटर्स में ही देते हैं तो मीटर्स में आपको याद रखना काफ़ी होगा। और लोएस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो है कट्टानाग, ये केरला में पड़ता है और -2.2 मीटर पड़ता है। दोस्तों अब आप देखिए सोचेंगे कि माइनस क्यों है, देखिए रिलेटिव मेजरमेंट किया जाता है हाइट का, ठीक है, सी लेवल के साथ। तो सी लेवल हमारा 0° माना जाता है या 0 मीटर कह लीजिए, सी लेवल से ऊपर जितना एरिया होता है वो हम हाइट कहते हैं। जैसे कंचनजंगा सी लेवल से 8,586 मीटर हाइट में ऊपर है, लेकिन कट्टानाग जो है वो सी लेवल से -2.2 मीटर नीचे है, इसीलिए ये लोएस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। ऑलराइट, इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और इंडिया के अंदर ऐसा स्टेट जो मैक्सिमम बॉर्डरिंग स्टेट्स के टच करता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 स्टेट्स के साथ, ये उत्तर प्रदेश है, 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है दोस्तों, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल, ठीक है। तो 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको उत्तर प्रदेश टच करता है। अब बात करते हैं इंडिया की टोपोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में। देखिए इंडिया के अंदर प्लेन्स भी हैं, प्लेटू भी है, हिली रीजन्स भी हैं, माउंटेन भी हैं। अगर हम मैप देखें तो ये पूरा हिमालय वगैरह पार्ट फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो ये माउंटेन्स पार्ट होता है। लेकिन हिली पार्ट भी है, जैसे अपना अरावली पार्ट है राजस्थान में, यहाँ पे यू नो सदर में काफ़ी सारे हिल्स हैं हमारे पास, यू नो शेवरॉय हिल है, पलानी हिल है, वेस्टर्न घाट भी में भी काफ़ी हिली एरिया वगैरह है। तो ये जो हिली एरिया है ये एक अलग टोपोग्राफिकल रीजन हो जाता है। प्लेन्स हमारे पास जो है पूरा इंडस वैली का पूरा प्लेन है, गंगा यमुना का पूरा दुआब एरिया जो ये भी प्लेन्स में माना जाता है, गोदावरी का एरिया है, ठीक है, ये सारे प्लेन्स में माने जाते हैं। और प्लेटू का भी पार्ट है, इंडियन प्लेटू का जो पार्ट है। तो ये जो पार्ट है परसेंटेज वाइज मैंने टॉप टू डाउन लिखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पार्ट 43% जो इंडिया का एरिया है वो प्लेन्स है, ठीक है, 27.7% जो है वो प्लेटू में है और 18.6% हिली रीजन में है और 10.7% है जो सिर्फ माउंटेन्स में है। तो ये सीक्वेंस दोस्तों आपको याद रखना है कि एरिया वाइज या परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इंडिया के अंदर प्लेन्स है, उसके बाद प्लेटू है, फिर हिली एरिया और फिर माउंटेन रीजन है, ठीक है।
आप अगर एग्जैक्ट परसेंटेज अगर ना भी याद कर पाएं, लेकिन ये सीक्वेंस जरूर याद रखिए, प्लेन्स, प्लेटू, हिली एरिया, माउंटेन। ऑलराइट, तो ये है टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों एज अ हाई लेवल अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, ये है एक काफ़ी ब्रॉड व्यू से एक इंट्रोडक्शन इंडिया का। इसमें कई सारे आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप इनको याद कर लिए जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि हाई, देखिए मैं टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैंने अभी आपको हाई लेवल दिया है, इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको डिटेल लेवल में लेके जाऊँगा। ज्योग्राफिकल डिवीजन जैस जो है इंडिया का, उसमें हिमालय हो गया, रिवर सिस्टम्स हो गया, और आइसलैंड हो गया, जितने भी हैं, ठीक है, डिटेल्स हम और ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, उनसे भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि नॉलेज शेयर हो, आपकी एग्जाम्स के प्रिपरेशन हो पाए। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपके पास आए मैं अपलोड करूं, उनका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आए, आपकी नॉलेज बढ़े। और कोशिश करिए प्लीज़ आप चैनल मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि एक हम लोग अच्छा नेटवर्क बना सकें नॉलेज शेयरिंग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।